ये क्लास 10 का चैप्टर है गणित का सांख्यिक स्टैटिक्स 14 चैप्टर है। आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो सांख्यिक क्या होता है? सांख्यिक गणित एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम गणितीय आंकड़ों को एक सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित करके हम किसी भी जानकारी को सारणी को देख कर ही उसको बता सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक विभिन्न प्रकार के जानकारियों को सारणीबद्ध एक व्यवस्था होती है सांख्यिकी। इसमें कुछ फार्मूलों को देखते हैं, जैसे वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई पाँच सिग्मा एफ आई। सिग्मा होता है सभी आंकड़ों का योग, मैंने एफ जो होता है वहाँ आवृत्ति होती है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, और एक्स मध्यमान तो इनका गुणनफल, और पाँच सभी आवृत्तियों का योग। इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू एफ एफ वन एक्स वन से लेके एफ वन एक्स एन तक बट एफ वन प्लस एफ टू प्लस एन एफ एन तक। इसमें फार्मूला वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे दो, यानी ये जो सी है ये ऊपरी वर्ग सीमा 25 है और निम्न वर्ग सीमा 10 है, यानी 25 धन 10 35 बटे दो। तो इससे हम इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं। इसी में माध्य की एक दूसरी सूत्र है ये एक्स बार इसको ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई पाँच सिग्मा एफ आई, ये कल्पित माध्य विधि कहलाती है। ये कल्पित माध्य विधि है माध्य ज्ञात करने की। और एक दूसरी है पग विचलन विधि है स्टेप डेविएशन मेथड। ये एक्स वाई इक्वल ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई पान सिग्मा एफ आई। इसी में आंकड़ों का वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। इसमें बहुलक होता है किसी भी गणितीय आंकड़ों का जो आंकड़े कई बार 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 आते हैं वो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है ये बहुलक इसको एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो पॉइंट टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। सपोज यदि इसकी बात करें यहाँ पास इसमें सारणी की, तो इसमें जो है विकेटों की संख्या और क्रिकेट मैचों की संख्या, तो ये हम मैक्सिमम जो इसकी आवृत्ति आ रही है वो तीन आ रही है, यानी तीन मैचों में दो विकेट गिरे हैं मैक्सिमम तीन मैचों में। यदि हम इसको बहुलक माने तो ये जो हो जाएगी यहाँ पास इसके पहले वाली संख्या एफ वन कहलाएगी, ये नहीं ये जो है पहले वाली संख्या एफ जीरो कहलाएगी, एफ वन ये एफ टू कहलाएगा। और इसके सामने जो भी यदि डिफरेंस दिया हुआ है, सपोज यदि वो वर्ग अंतराल कोई संख्या मैंने 10 से 20, 20, 30 ऐसा कोई दिया हुआ है, तो उसमें जो होगा वो बहुलक वर्ग का, उसमें जैसे 10, 20 यहाँ दिया हुआ है तो 10 जो होगा बहुलक वर्ग निम्न से मैंने उसको एल मानेंगे। तो अभी इसको सवाल को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। और ये माध्यक याद करने का सूत्र होता है माध्यक इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ ऑन एफ। सी एफ है संचयी बारंबारता कहलाती इंटू एच, जहाँ एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है, एन होता है पेशियों की संख्या होता है, सी एफ होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता कहलाती है, और एच होता है वर्गमाप कहलाता है। एक रिलेशन इसमें होता है माध्यक बहुलक और माध्य में, थ्री माध्यक बराबर बहुलक धन दो माध्य, कई बार एग्जाम एक नंबर क्वेश्चन में आया करता है। इसको हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं, सपोज यदि बहुलक उधर ले जाती हो जाएगा टू माध्य इज इक्वल टू थ्री माध्यक माइनस टू बहुलक, और यदि इसको इधर ले जाए टू माध्य हो जाएगा थ्री माध्यक माइनस टू माध्य इज इक्वल टू बहुलक। हम इसको दो तीन प्रकार से इसको कन्वर्ट कर लिख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। के बाद संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण है ये। हम इससे क्वेश्चनों के क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करेंगे।
ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, फार्मूले भी उसमें दिए गए हैं। फार्मूला पहला दिया है समांतर माध्य के लिए प्रत्यक्ष जो विधि है उससे माध्य का जो सूत्र होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स अपन सिग्मा एफ आई। इस प्रकार कल्पित माध्य समांतर माध्य बराबर ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई। इसी प्रकार पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है एक्स इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई बी आई अपन सिग्मा एफ आई इंटू एच। बहुला ज्ञात करने का सूत्र होता है जेड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। माध्यक का सूत्र होता है माध्यक इक्वल टू यानी एम इक्वल मीडियन एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। और ये माध्यक बहुलक और माध्य में संबंध है, थ्री माध्यक यहाँ होना चाहिए, माध्यक है बहुलक प्लस टू माध्य। इसमें क्वेश्चन ये हो विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें से उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों में संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करो। ये पौधों की संख्या घरों की संख्या नहीं, इसकी इसको फ्रीक्वेंसी बारंबारता कह सकते हैं। तो पहले लिखेंगे वर्ग चिन्ह में लिखेंगे यहाँ पास हम ये जो वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल दिया हुआ है ये वर्ग, फिर इसकी आवृत्ति जो दी हुई सामने नीचे जो उसमें नीचे में लाइन में दी हुई थी ये आवृत्ति है ये फ्रीक्वेंसी। फिर माध्य संख्या इसको क्या करेंगे दोनों को जोड़ के दो का भाग करेंगे दो बटे दो यानी वन, इसमें का चार दो छः, छः बटे दो बराबर हो जाएगा तीन, छः चार दस बटे दो हो जाएगा पाँच। इसी प्रकार बाकी की माध्य संख्या निकाल लेंगे हो जाएगा, फिर दोनों गुणा कर देंगे एक गुणे एक एक, इसी प्रकार तीन गुणे तेरह उनतालीस, इस प्रकार से गुणा कर लेंगे इनका जो योग होगा सिग्मा, इसको सिग्मा एफ एक्स लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स 162 और आवृत्ति का जो जोड़ है उसको सिग्मा एफ होगा वो होगा इसको सिग्मा एफ 20। अब प्रत्यक्ष विधि से जो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो 162 बटे 20 भाग करने इसका मान आएगा 8.1। ये उसका ये प्रतिघर माध्य पौधों की संख्या कितनी आ गई इसमें 8.1। इसमें दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों के समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम से विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए जिनका बहुलक ज्ञात करते हैं। परिवार का माप है इसमें जो बड़ी संख्या वो 8 है तो ये बहुलक वर्ग होगा, बहुलक होगा, बहुलक सामने का जो अंतराल वो बहुलक वर्ग अंतराल होगा। इसके पहले वाले को लिखते हैं हम एफ जीरो, ये एफ वन, ये एफ टू हो जाएगा, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3 हो जाएगा। इसका अंतराल जो इसका डिफरेंस है 5, 3 का 2, 1, 3 का 2 यहाँ लिखते हैं पास, यह अधिकतम वर्ग बारंबारता 8 है तथा बारंबारता का संगत वर्ग 3 से 5 है, बहुलक वर्ग 3-5 होगा, निम्न वर्ग सीमा 3 है, वर्ग का माध्य h इक्वल टू 2 है, बहुलक वर्ग की जो आवृत्ति वो 8 है। बहुलक वर्ग ठीक पहले वाले आवृत्ति को एफ जीरो है, ये एफ वन कहलाएगा, ये एफ जीरो, ये एफ टू कहलाएगा यानी एफ टू इक्वल टू। अब इसमें इसको मान रख देंगे वैल्यू को जेड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू टू एच। एल यानी तीन वैल्यू रखेंगे, एफ वन का जो मान है यहाँ पास 8 है, एफ जीरो का मान है 7 बट 2 एफ वन का मान 8 गुणे 2 माइनस एफ जीरो यानी 7, एफ टू यानी हो जाएगा 2 गुणे 2, 8-7 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 गुणे 2 यानी 2 ही आएगा यहाँ पास, 8 × 2 = 16 और 7 × 2 = 9, तो 16 से हम 9 घटाएंगे पहले 7 आएगी यहाँ पास और 7 × 21 = 21, 2 हो जाएगा 23। या इसको ऐसा कर सकते हैं भाग करते हैं 2 में 7 का 3.286 इसका मान है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 3.286, ये आ गया इसका बहुलक आ गया दी गई सारणी का। इसी में तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी बहुल मोहल्ले की आवश्यक उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, इन आंकड़ों के माध्यक ज्ञात करो। तो ये मासिक खपत दिया है, उपभोक्ताओं की संख्या ये दी हुई है, तो
तो सबसे पहले इसका वर्ग लिखेंगे, इसके बाद आवृत्त लिखेंगे जो नीचे दिया हुआ है। संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, पिछली बारंबारताओं का योग होता है संचयी बारंबारता, जैसे चार है फिर दूसरे में इसको जोड़ के लिखेंगे पाँच चार नौ, फिर तीसरे में इनको जोड़ के तेरह और बाईस हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो बाईस और बीस हो जाएगा बयालीस, इसी प्रकार बयालीस और चौदह हो जाएगा छप्पन, फिर छप्पन और आठ हो जाएगा चौंसठ, चौंसठ और चार हो जाएगा अड़सठ। तो इस प्रकार सब संचयी बारंबारता इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ जो एन हो गया, एन इज इक्वल टू ये बारंबारताओं का योग अड़सठ है, इसमें दो का भाग करेंगे तो हो जाएगा चौंतीस। तो संचयी बारंबारता इसमें जो होगा कि चौंतीस किसके अंतर्गत आ रहा है, बयालीस के अंतर्गत आ रहा है, तो बयालीस के सामने बीस है, बीस हो जाएगा यहाँ पास एफ हो जाएगा यानी आवृत्ति, और इसके पहले वाली संख्या है ये बाईस, ये संचयी बारंबारता कहला जाएगी, और इसके सामने का जो वर्ग अंतराल ये माध्यक वर्ग अंतराल यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं संचयी बार बयालीस के अंतर्गत वर्ग अंतराल 125 और 145 के बीच स्थित है ये, तो निम्न इसकी सीमा हो जाएगा 125 और इनका डिफरेंस हो जाएगा अपने पास 20। तो फार्मूला है एम इजिकल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी अपॉन एफ इन टू एस, हो जाएगा एल यानी 125, एन अपॉन टू यहाँ बयालीस 34 और सी एफ जो है यहाँ पास 22 बटे 20 एफ का मान है गुणे 20, तो 34 से 22 हो जाएगा इसका मान आ जाएगा अपने पास, इसका मान 12 आएगा, 20 कैंसिल हो जाएगा तो 125 पर 12 137 आया, अतः दी गई सारणी का माध्यक हो जाएगा यहाँ पास 137 हो जाएगी। इसके बाकी क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करिएगा, और जहाँ पे दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।